चूड़ियों का, कड़ों का बहुत सारा कलेक्शन आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। और ऐसा नहीं है चूड़ियाँ रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र चाहिए होते हैं, वो भी मैंने बहुत सारे मंगाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज रेकमेंड करूँगी और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि जो हमेशा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा ही रिसीव हो। वैसे मीशो की सबसे बड़ी साल की सेल स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने शॉपिंग स्टार्ट करी है नहीं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो मैंने ये परचेज़ किया है वायरल चूड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल था। मैंने इसके इतने सारे रिव्यूज़ भी देखे थे, इसे इतने सारे लोगों ने परचेज़ कर रखा था, तो इसे मंगाना तो बनता था कि जितनी तारीफ़ें हो रखी हैं ये वैसा आया है या नहीं। जनरली हम मार्केट में जाते हैं चूड़ा वगैरह ख़रीदने के लिए तो 300 से ही स्टार्ट होता है, इससे कम में नहीं मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने पीसेस मिलेंगे और क्या क्वालिटी होगी। तो ऑनलाइन मुझे इसका प्राइस जो पड़ा है वो पड़ा है 280 रुपीज़, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थी लगा, क्योंकि जिस तरह का ये दिखाया था एकदम वैसे रिसीव हुए हैं। और साइज मेरा जो है हाथों का वो 2.6 है, तो मैं आपको ये बता दूंगी कि 2.6 में मैंने जो चीज़ मंगाई थी वो एक्चुअल में मेरे आ भी रही थी या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना भी साइज़ जो है वो देख के मंगा सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने 2.6 में ही मंगाई थी, सारी ही मंगाई थी, बट वो मुझे नहीं फिट हो रही थी, यानी कि उनके बड़े साइजेस हमें मंगाने होंगे। तो ये तो 2.6 मंगाया था, 2.6 मुझे ईजिली आ गया था। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है ये भी मैंने काफ़ी देखा था, ये गोल्डन कलर की चूड़ियाँ हैं जिन्हें आप बहुत तरीके से वेयर कर सकते हो। आप इन्हें बिना चूड़ियों के भी वेयर कर सकते हो, ये कंगन सेट है, और वैसे भी वेयर कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये आपको 120 से लेके 150 रुपये के बीच में मिल जाने वाले हैं। वैसे मुझे ये 130 रुपीज़ के पड़े थे, ये मैंने 2.6 साइज़ में ही मंगाए थे और 2.6 साइज़ मुझे इजिली फिट हो गया था, यानी सेलर ने बिल्कुल परफेक्ट नाप भेजा है। ऑनलाइन चूड़ियाँ मंगाने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इन लोगों ने सेटिंग भी दे रखी होती है ये जानने के लिए कि आपके चूड़ियों का एग्जैक्ट साइज़ क्या है। नेक्स्ट ऐसी चूड़ियों का कलेक्शन शेयर करूंगी कि आपको और कोई चूड़ी खरीदनी ही नहीं पड़ेगी, पूरे साल भर के लिए फुर्सत हो जाने वाले हैं। सारे कलर्स अवेलेबल हैं इसमें, ये आई थिंक 120 के अराउंड पूरे ये चूड़ियाँ हैं। इसमें आपको 12 जो है डिफरेंट कलर्स मिल जाने वाले हैं, क्वालिटी तो सच में बहुत अच्छी है इसमें। लेकिन ये जो गोल्डन सा जो तो इसमें डिज़ाइन बना हुआ, ये हल्का फुल्का जो है वो उतर रहा था, थोड़ी सी किरकिरी जो है वो निकल रही थी, लेकिन चूड़ियाँ सच में बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में रिसीव हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी और सारे कलर एक से बढ़ के एक थे। आप इन्हें कंगन वगैरह के साथ वेयर करोगे तो और किसी भी तरह की चूड़ी आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी सी लाइट थी क्योंकि एक दो मुझसे टूट गई थी, लेकिन फिर भी प्राइस के अकॉर्डिंग 180 रुपीज़ में 120 चूड़ियाँ मुझे काफ़ी वर्दी लगा। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी इन चूड़ियों का जो पूरा एक ही सिंगल लिंक है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाने वाला है। 140 रुपीज़ के अराउंड आपको ये चूड़ा सेट मिलने वाला है, जो कि बहुत ही प्यारे कलर्स में रिसीव हुआ है। सावन वगैरह में भी अगर आप इसे पहनोगे या फिर करवा चौथ में भी, तो भी बहुत प्यारा लगने वाला है। इसमें आप किसी भी तरीके की चूड़ियाँ ना भी ऐड करो, ये एज इट इज़ ही बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मल्टी कलर होने की वजह से आप सिर्फ इसे ही ट्रैगर पहन लोगे तो ये हर तरह की साड़ी सूट के साथ सबके साथ ही ईजिली चले जाने वाला है। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, प्राइस भी अफोर्डेबल और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सारे चूड़ा सेट मैंने ट्राई किए थे कि मैं जो वायरल है, जो ज़्यादा रिव्यूज़ इनके पोस्ट किए हुए हैं, मैंने वही मंगा के देखे थे। तो ये भी कड़े हैं, ये मतलब डिफरेंट कलर्स में पूरा सेट मिलने वाला है, जिसमें आपको मिल जाएगा 24 कड़े, जो कि 180 रुपीज़ में मिल जाने वाले हैं। क्वालिटी तो इतनी अच्छी थी, ये मुझे 2.6 मैंने इसका साइज़ जो है मंगाया था, बट ये मुझे फिट नहीं हुए थे, यानी कि अगर ये कड़े आप मंगाना चाहते हो तो आपको एक साइज़ बड़ा ही मंगाना पड़ेगा, मतलब थोड़े से कम थे, ये मुझे पूरी तरह से फिट नहीं हुए थे। 2.8 साइज़, आप अपने साइज़ से एक साइज़ बड़ा मंगाएंगे तो ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट शादियाँ आने वाली हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें हल्दी के फंक्शन के लिए चूड़ियों कड़े की ज़रूरत ना पड़े। तो 140 रुपीज़ में ये हल्दी कलेक्शन के लिए मैंने ये मंगा के देखा था, क्योंकि बहुत वायरल था ये चूड़ा सेट भी, तो बहुत ज़्यादा प्यारे रिसीव हुए हैं। आप इन्हें एज इट इज़ किसी और तरीके से भी अगर वेयर करना चाहो तो कॉम्बो बना के वेयर कर सकते हो, अदरवाइज हल्दी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। प्राइस भी अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड फ्रेंड्स, हाँ, अगर लेफ्ट साइड का हाथ जो मेरा कभी थोड़ा बहुत दिखता होगा, उसमें मेरी से जो सर्जरी हुई थी रिसेंटली, उसके ना स्टिचेस के निशान है, तो मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ कि वीडियोस में ना दिखे, लेकिन अगर आ जाए तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे पता है कि ध्यान तो चला ही जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये कंगन सेट जो है ये परचेज़ किया 300 रुपीज़ में, ये अनबिलीवेबल प्रोडक्ट था कि मतलब इतने कम प्राइस में इतना प्यारा चूड़ा सेट कैसे मिल सकता है। ये लहंगे के साथ बहुत प्यारा लगेगा, लहंगा और साड़ी वगैरह के साथ आप इसे शादियों में भी पहनोगे तो एक बार तो कोई ना कोई पूछेगा
कि आपने कहाँ से परचेज़ किया, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मैंने जो कलर परचेज़ किया था वो फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मैंने बाकी कलर्स वाला जो लिंक है वो पेस्ट कर दिया है। अब इतने सारी चूड़ी कड़े मंगाए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें स्टोर करने के लिए हमें कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। वैसे तो मेरे पास घर पर ऑलरेडी प्रॉपर जो है वो चूड़ी रखने के लिए है स्टैंड, बट मैंने ये थोड़े न्यू स्टाइल में देखे थे तो परचेज करके देखे, लेकिन इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक की थी। इसमें बहुत सेफ रहने वाले हैं और मैंने देखा था इसमें ट्राई करके, इसमें चूड़ियाँ जो एक एवरेज साइज़ की होती हैं वो तो आ जाती हैं, लेकिन जो कड़े वगैरह होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा हैवी वर्क किया होता है, काफ़ी लेयरिंग होती है, तो इसमें वो नहीं आते हैं। चूड़ियाँ वगैरह के लिए, डेली वगैरह के लिए काफ़ी सेफ है, गंदी नहीं होंगी, प्रॉपर इसमें कवर रहेंगी। जैसे ये चूड़ा सेट था इसमें इतनी ज़्यादा लेयरिंग नहीं थी तो ये तो आ गया था, लेकिन जो येलो वाला जो सामने रखा हुआ है जब मैंने उसे डाल के देखा तो उसकी चूड़ियाँ तो ईजिली फिट हो गई थी, बट जो कड़े थे वो नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े थे साइज़ में, इसलिए वो नहीं आ रहे थे। चूड़ियों के लिए तो परफेक्ट है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ना तो चूड़ियाँ गंदी होंगी और सेफ भी रहेंगी, टूटेंगी भी नहीं, ट्रैवल में भी आप यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मुझे सेट ऑफ टू में रिसीव हुआ है। आई थिंक कलर्स मैंने येलो पसंद किया था तो रेड और येलो जो अवेलेबल था सेलर ने वो भेज दिया, बट कलर का कोई इशू नहीं है। जो ये काम के लिए बताया गया प्रोडक्ट उसने ये बहुत अच्छे से किया है। उसके बाद भी मैंने जो ये चीज़ें और भी मंगाई थी चूड़ियाँ वगैरह सेव करने के लिए, बट मुझे नहीं समझ में आया कि इसे मैं कैसे कहाँ यूज़ करूँ। ये आपको 220 रुपीज़ के अराउंड मिलेंगे। इसमें मतलब चूड़ियाँ मेरे ख्याल से सेफ तो नहीं रहेंगी, शायद गंदी ना हो इस वजह से इसे यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक की पॉलिथीन है, चूड़ियाँ आई थिंक गंदी नहीं होने की वजह से ही ये ऐसे मतलब मिली है, क्योंकि वैसे तो ये मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल फ्रेंडली तो नहीं है, बट हाँ अगर कम बजट है आपका तो आप इस तरह की कोई चीज़ परचेस कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ इसके भी डाल रखे तो लोगों ने परचेस कर रखा है, तो जैसे जिसकी नीड वैसे वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, चेन भी इजिली बंद हो रही थी, बट ये था कि हाँ मेरे नहीं समझ में आया, मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि इसमें मैं नहीं रखने वाली, मेरे पास बॉक्सेस ही जो है मैं उन्हीं से खुश हूँ। इवन जो येलो रेड बॉक्सेस है वो मुझे ज़्यादा पसंद आए, तो ये इसलिए मैं इसे फ़िलहाल रिटर्न कर रही हूँ। अगर आपको सस्ते में कुछ चाहिए चूड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ ढक के रखने के लिए तो आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने प्रॉपर चूड़ा बॉक्स मंगवाया है, ये काफ़ी लेयर्स में अवेलेबल है, 2-3 मैंने ये सिंगल वाला मंगाया है। शादी ब्याह में आपको जाना हो किसी छोटे फंक्शन में तो आप इसे कैरी कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से आपकी जो दो फंक्शन के लिए चूड़ियाँ आराम से आ जाने वाली हैं। तो कलर तो जैसा दिखाया था वैसा ही रिसीव हुआ, बहुत प्यारा, इसमें बिल्कुल भी चूड़ियाँ सेफ रहने वाली, आप एज अ गिफ्ट भी इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बहुत प्यारा था। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है ये प्लास्टिक का चूड़ा सेल रखने के लिए, चूड़ियाँ रखने के लिए बॉक्स है, बहुत वायरल था, 4 लेयर्स मिल जाने वाली है, 130 के अराउंड, प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी थी। थोड़ा जो ढक्कन था वो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बंद होगा, इसी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हुई, बट अगर आप अच्छे से इसके जो ये दिए हुए हैं जिसमें चूड़ियाँ रखनी होती हैं प्लास्टिक के, उसमें बहुत हैंडल दिए हुए हैं, तो अगर आप अच्छे से फिट करोगे तो ढक्कन भी इजीली से बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले ही अच्छे से फिट नहीं हो रखे थे। इसमें ये सेक्शन जो है आप रिमूव भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग जो है चूड़ियाँ रख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा वेट ये होल्ड कर सकता है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिख भी जाएगा कि आपने कहाँ क्या रखा है। इसमें ऐसे ही सेक्शन ऑलरेडी बने हुए, आपको इसको फिट करना होता है, उसके बाद अपनी चूड़ियाँ रख सकते हो। इसमें बड़े साइज छोटे साइज सारी तरह की मैंने ट्राई की थी, सब कुछ ईजिली आ जाता है, 5 दर्जन चूड़ियाँ इसमें ईजिली आ जाएंगी प्रॉपर सेट के साथ। इसे बस थोड़ा सा आपको हैंडल करना आना चाहिए, मैं पहले नहीं समझ पाई थी, बट मुझे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया, क्वालिटी भी अच्छी है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट भी पता नहीं, इसके भी बहुत सारे रिव्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा इसको भी परचेस कर रखा था, तो ये प्रॉपर जो मैंने इससे पहले शेयर किया था प्लास्टिक वाला, ये उसका बड़ा वर्जन है। इसमें मतलब एक साथ 5-6 दर्जन चूड़ियाँ आ जाएंगी और पूरी चूड़ियाँ जो है ढकी रहेंगी, ट्रांसपेरेंट रहेंगी। गिफ्ट वगैरह आई डोंट थिंक सो कि ये सेफ्टी के पर्पज़ से तो चूड़ियाँ रखने के लिए ठीक है, बट हाँ पता नहीं फिर भी बहुत सारा परचेस कर रखा था। कलर भी बहुत प्यारा जैसा दिखा था वैसे ही रिसीव हुआ है, 290-300 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा, जो कि मुझे वर्थी नहीं लगा है। अब बेटर है किसी अच्छे से बॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आगे आपको ट्रैवल वगैरह के लिए इवन कहीं आने जाने में भी काम आएगा, तो मुझे नहीं समझ में आया। इफ़ आपको ऐसा चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हो, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे डेली ही अपडेट डालती रहती हूँ। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही प्यारा ब्राइडल
चूड़ा मैंने परचेज़ किया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसी इमेज थी वैसा रिसीव होगा, लेकिन ये सच में बहुत प्यारा था। प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये डेली वेयर की चूड़ियाँ वगैरह हैंग करने के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगाया है। क्वालिटी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हो। अगर जिसे अपनी वैनिटी सजाना पसंद है तो उसके लिए तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का हॉल देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।